आगे बढ़ते हैं खबरों में। केरल के वायनाड में कुदरत की तबाही देखने को मिली। वायनाड में लैंडस्लाइड की वजह से भारी तबाही का मंजर है। लैंडस्लाइड में मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। 148 तक की संख्या जा पहुंची है। केरल में 2 दिन का राजकीय शोक भी घोषित किया गया है। सभी सरकारी कार्यक्रम रद्द किए गए हैं। सेना और एयरफोर्स की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम, स्थानीय प्रशासन रेस्क्यू में जुटा हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी पूरा नहीं हुआ है। रौद्र रूप कुदरत का केरल के वायनाड में देखने को मिला, भारी तबाही का मंजर। विनाशकारी से आप भूस्खलन कह सकते हैं जो कि केरल के वायनाड में आया। कई लोगों की मौत हो चुकी है और यह आंकड़ा अभी और ज्यादा बढ़ सकता है। आपको याद दिला दें कि केरल में 2018 में भी बाढ़ आई थी और उस प्राकृतिक आपदा में 450 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, जिसे राज्य की सदी की सबसे बड़ी बाढ़ कहा गया था। और एक बार फिर से विनाशकारी आपदा ने केरल में लोगों की जान ली है, संपत्ति आजीविका को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। 2 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है केरल में। सभी सरकारी कार्यक्रम रद्द किए गए हैं। कई लोग अभी भी ऐसे हैं जो कि लापता हैं। ऐसा नहीं है कि पहली बार केरल में ऐसा हुआ, उससे पहले भी केरल कई बार प्राकृतिक आपदाओं से सहम चुका है और एक बार फिर से वही मंजर केरल में। केरल में कुदरत की तबाही, वायनाड में लैंडस्लाइड से तबाही, लैंडस्लाइड में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। केरल में 2 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। सभी सरकारी कार्यक्रम रद्द किए गए हैं। सेना और एयरफोर्स की टीम रेस्क्यू में जुटी हुई है। एनडीआरएफ, स्थानीय प्रशासन भी रेस्क्यू में जुटा हुआ है। प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है अभी भी। वायनाड में राहत शिविर बनाए गए हैं, लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। केरल में अगस्त 2018 में भी बाढ़ आई थी और उस दौरान 450 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। 2018 में केंद्र सरकार ने उस बाढ़ को डिजास्टर ऑफ सीरियस नेचर घोषित किया था। भारी नुकसान उस वक्त भी हुआ था। और एक बार फिर से 2018 की याद इस मंजर ने केरल के लोगों को दिला दी है। तस्वीरें कुछ हम आपको दिखा रहे हैं केरल में किस तरह से स्थितियां बनी हुई हैं। घर, दुकान, मकान, पुल, सड़कें, सब कुछ बह गया है। पानी का बहाव बहुत ज़्यादा, बहाव की रफ्तार बहुत ज़्यादा, सब कुछ अपने साथ ले जाने को आमादा ये सैलाब नज़र आया। 3 बार, एक के बाद एक 3 बार लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई। रात 2 बजे परसों, कल सुबह 4 बजे, 6 बजे, एक के बाद एक 3 बार लैंडस्लाइड हुई, जिस वजह से भारी नुकसान पहुंचा है। कई लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोग बेघर हो गए हैं, कई लोग लापता हैं। हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए गए हैं, मुआवजे का ऐलान किया गया है। प्रधानमंत्री खुद नजर बनाए हुए हैं पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर। सीएम पी विजयन के साथ भी पीएम मोदी की ओर से फोन पर बातचीत, कल हालातों का जायजा लिया गया था।